10,000 के अंदर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन कैमरा आ चुका है हमारे पास काफी लंबा ट्रेवल करके, ताकि तुमको ये बता सको कि क्या तुम इसको लेकर ट्रेवल वगैरह कर सकोगे या फिर और कोई ऑप्शन वगैरह है। तो पहले इसको खोल लिया जाए, पैकेट के अंदर थोड़ी ना टेस्ट होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यह है इसका पैकेजिंग और दिखने में कुछ ऐसा है, और ऊपर लिखा है कि इजी वर्क, जो कि एक 5K वाईफाई एक्शन कैमरा है। ओपन करते आप देख सकते हो कि एडिशनली आपको एक बहुत ही कमाल के मटेरियल के साथ एक पैक मिलता है, और इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढेर सारे जबरदस्त चीजें अवेलेबल है पहले से। तो एक एक करके बताता हूं, यहाँ पे आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल, फिर हमको मिलता है एक वाटरप्रूफ हाउसिंग, बहुत ही काम का एक चीज है क्योंकि इसके मदद से तुम पानी के अंदर आराम से शूट कर सकते हो, डस्ट प्रूफ शेल, एक लेंस क्लॉथ, बैक क्लिप, कर्व्ड माउंट, हैंडल बार, स्विच सपोर्ट, बैंडेजेस, हेलमेट में अटैच करने वाला माउंट, केबल टाई, कम्यूटेटर एंड और भी बहुत सारी चीजें। भाई थक गया मैं तो। सो अभी बढ़ते हैं मेन चीज एक्शन कैमरे की ओर, जो कि आप देख सकते हो कि इस वाटर शील्ड के अंदर आता है। सो इसको पहले तो खोलना पड़ेगा आपको, खोलने के बाद आप देख सकते हो कि हियर इज योर एक्शन कैमरा, और यहाँ पे पन्ने वन्ने हटा लेते हैं। हटाने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर आपको दो बटन्स मिलते हैं, मोड और ओके करके, और साइड में है दो एरो मार्क, इधर इंसेक्ट्स काफी तंग करते हैं आजकल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एरो बटन है, जिससे कि आप नेविगेट वगैरह कर सकते हो जहां पर भी जाना है, और साइड में आपको यहाँ पे इसको चार्जिंग करने के पोर्ट, उसके बाद एसडी कार्ड इंसर्ट करने वाला स्लॉट भी मिल जाएगा, और नीचे आपको बैटरी डालने का जो जगह है वो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ऐसे करके ये बैटरी ओपन होता है, और आप आसानी से बैटरी को अगर चेंज करना है तो फिर ऐसे करके चेंज कर सकते हो। अभी इस कैमरे को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ना मैं यहाँ पे मोड पे होल्ड करके रखूंगा, तो फिर आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो कैमरा है वो टर्न ऑन हो चुका है। चलो अब घुस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले हाथ में लेकर ना मुझे काफी हल्का लगा ये वाला कैमरा, जो कि एक सही चीज है एक्शन कैमरे के लिए। ऑलमोस्ट 75 ग्राम्स का है ये, एंड इसका कैमरा सेंसर भाई 48 मेगापिक्सल का है। एंड इसका बेनिफिट यही है कि यू कैन शूट अप टू 5K, यस, अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा स्क्रीन है, सो व्लॉगर्स ये ना तुम्हारे लिए जन्नत होने वाला है इसका डुअल स्क्रीन वाला फीचर, और उसके ऊपर इसका जो मेन स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। अब मोटो व्लॉगर्स ये सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे लिए नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोल दूं कि इसमें ना मुझे एक अल्ट्रा स्टेडी मोड करके ऑप्शन मिला, मतलब EIS टेक्नोलॉजी जो है उसको इधर यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं। सो कैमरा लिया और निकल पड़े कुछ शॉट्स लेने, ये रहा वीडियो सैंपल्स। सो यस, अभी जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली 5K क्वालिटी में शूट हो रहा है। आप देख सकते हो क्वालिटी कैसा है, आपको डिफरेंस दिखेगा बाद में जितने भी रेजोल्यूशन में आप लोगों के सामने शोकेस करने वाला हूँ उनको देखने के बाद। और ये है 4K रेजोल्यूशन, ये है 2.7K रेजोल्यूशन, और ये है वही 1080p। बाकी स्लोमो फुटेज ये रहा टाइम लैप्स, ये रहा बर्स्ट फोटो मोड, और ये EIS तुम्हें हेल्प करता है कोई भी मोमेंट में कोई भी चीजें कैप्चर करने में, जिस पर कि बहुत ही स्मूथ डिटेल्स रहने वाला है। और इसमें ना वाटर प्रूफ मिलता है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं, जो कि काफी बढ़िया एक फीचर है। और हाँ, इसका वाटर प्रूफ अनेबल करने के लिए आपको इसको अपना जो केस है, जो केस के साथ प्रोवाइडेड है, उसमें घुसा के अटकाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये वाटर प्रूफ होगा। और यूज करते करते मुझे इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर के बारे में पता चला, वो है रियल टाइम शेयरिंग का फीचर। मतलब वाईफाई की मदद से तुम 10 मीटर रेंज के अंदर अपना मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, और लाइव वीडियोस देख सकते हो कि क्या कैप्चर कर रहा है ये। बाकी अगर तुम आईफोन खरीदने की सोच रहे हो वाइड एंगल कैमरे के लिए, और जिसमें तुम्हें 1 लाख से ज्यादा पे करना पड़ सकता है, तो रुक जाओ, क्योंकि इसमें 170 डिग्री वाला पैनोरमिक वाइड एंगल लेंस वाला है ना सेंसर है, शूट करो मजे से। रील व्हील अगर बनाना है तो फिर ऐसा करके बना सकते हो। ओके, बैटरी की बात करें तो फिर तुम्हें ना यहाँ पे 1350mAh का दो बैटरी मिल जाता है, एक तो कैमरे के अंदर रहता है और दूसरा एक्सटर्नली आपको प्रोवाइड करा जाता है। ईच ऑफ देम कैन गिव यू 100 मिनट्स ऑफ शूटिंग टाइम। और बहुत पहले की बात है, जब मेरे पास एक एक्शन कैमरा हुआ करता था, उसका मुझे एक चीज बहुत ही गलत लगा कि उसमें ना माइक का बहुत झंझट था, मतलब साउंड क्वालिटी। बट इसमें ना तुम एक्सटर्नल माइक को अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपका जो वॉइस क्वालिटी है, जो इनपुट क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। बट इसका जो इनबिल्ट माइक है वो भी बहुत ज्यादा सही लगा मेरे को। आप यहाँ पे सैंपल सुन सकते हो। तो अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पर है सब कुछ चीजें, और ये है
और हाँ, इसका जो ऐप है वो इसको ना एक कंप्लीट पैकेज बना देता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी फुटेज तो तुमने देख ही लिया होगा, बट द शॉकिंग थिंग इज इसका प्राइसिंग ब्रो। इसका प्राइसिंग भाई 10K के अंदर आता है, मतलब 10,000 के अंदर इतना सब कुछ कैसे भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सो यार, अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखे तो फिर डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर तुम्हें खरीदना है, लाइक शौक हो रहा है खरीदने का, तो फिर मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको परचेस करो। सो बहुत दिनों के बाद एक्शन कैमरा का वीडियो आया है, वो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और भी आने वाला है। बाकी अगर आपको इसे परचेस करना है ना, तो फिर इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, जिनको एक ब्लॉगिंग वगैरह करना है या फिर मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करना है, शौक के लिए भी करना है तो फिर कंसिडर करना है अगर, तो फिर ये वाला एक्शन कैमरा बेस्ट है। रिव्यू देखने से उनको पता लग जाएगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा भाई का भी उनका भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलता है किसी सेम वीडियो के साथ। So, goodbye.